दोस्तों सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पर ये वाली रील्स देखिए, जो इस तरह की वीडियोज इंस्टाग्राम पर चल रही है। इंस्टाग्राम पर आपने बहुत सारी वीडियोज ऐसी देखी होगी जो रील्स वीडियो है। अब इसके अकाउंट पर चलते हैं, सक्सेस टिप्स स्टेप्स का अकाउंट है, इसकी और रील्स आपको दिखाता हूँ। सभी पर आप व्यूज़ देख सकते हैं, कितने अच्छे खासे व्यूज इन पर आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये वायरल रील्स है। और इस तरह की रील्स ही आपको इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिल रही। मैं एक अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारे अकाउंट्स आप इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो इस तरह के मॉक वाले अकाउंट है जो यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। ये वीडियो AI जनरेटेड वीडियो है, इनका यूज करके काफ़ी ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। जो बहुत सारी वीडियो है इनमें आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जैसे कोई भी वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ, किसी का भी चेहरा आप ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर ये मॉक वाले चेहरे ही ज़्यादा चल रहे हैं। इनमें जो ये बंदा सामने बोलता है वो ही चीज़ें आपको नीचे लिखी हुई दिखाई देती है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल बातें या फिर कोई स्पीच वगैरह जो भी है आपको यहाँ पर सुनने के लिए मिलती है और पढ़ने के लिए भी मिलती है। अगर आप भी इन AI जनरेटेड वीडियो को बनाना चाहते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डालना चाहते हैं, तो आपको आज की वीडियो में आप कंप्लीट तरीका बताने वाला हूँ, यानी कि पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, कि आप इन वीडियो को कैसे बना सकते हैं। किसी भी फोटो को यूज कर सकते हैं, जरूरी आप इस फोटो को यूज करें, आप अपनी ही फोटो को भी ले सकते हैं, अपनी खुद की फोटो को आप ले सकते हैं, मतलब अपनी फोटो लगा दी या फिर किसी पड़ोसी की फोटो लगा दी, किसी भगवान की फोटो लगा दी, किसी भी और महापुरुष की फोटो लगा दी, किसी भी एक मतलब फेमस पर्सन की फोटो लगा दी, उसको आप इस तरह से एडिटिंग करके जहाँ पर वो बोलने लगेगा और आपकी जो बातें हैं आप जिनसे बुलवाना चाहते हैं वो बोलेगा और सामने आपको पढ़ने के लिए भी मिलेगी। तो कंप्लीट प्रोसेस आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इस तरह की वीडियोस कैसे बना सकते हैं। तो बस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे तो कोई ना कोई पार्ट मिस हो जाएगा और आप फिर कन्फ्यूज हो जाओगे कि भाई मुझे क्या करना है, तो इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देख लेना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो क्रोम ब्राउजर पर चलना है। जैसे जिस तरह की वीडियो आप बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपके यहाँ पर सर्च कर लेना है AI mock सर्च किया। अब इसको सर्च कर लेते हैं हम। यहाँ पर आपको इमेजेस पर क्लिक कर देना है। इमेज पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सारी इमेज आ जाएगी, तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी फोटोज आपको मिलेगी। ये मॉक की फोटो है, इनमें से आपको किसी भी फोटो को डाउनलोड करना है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर से ये फोटो ले ली ऊपर वाली, या फिर किसी की फोटो ले ली, ये ले ली, जो भी फोटो आपको अच्छी लगे उन फोटोज़ को आपको यहाँ पर ले लेना है। अगर और भी आपके पास कोई तरीका है फोटो लेने का, गूगल पर या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू कहीं पर भी जाकर आप किसी भी फोटो को डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले मैं ये वाली फोटो डाउनलोड कर देता हूँ, तो ये फोटो को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड इमेज पर क्लिक किया, ये फोटो मेरी डाउनलोड हो गई है। अब डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में ही आपको मतलब एक जो आप बुलवाना चाहते हैं, मतलब एक तरह से कोई मोटिवेशनल लाइन्स हैं या फिर कोई और है, आपको गूगल पर सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ 5 Tips for Success हिंदी। जैसे मैंने यहाँ पर मुझे सर्च कर लिया, मुझे सक्सेस होने के लिए सबसे जरूरी क्या है, मैंने एक तरह से यहाँ पर मुझे ये अच्छा लगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। सफलता के लिए सबसे जरूरी है मेहनत और लगन। अगर आप सफल होना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो आपको खूब सारी मेहनत करनी होगी, किसी भी परिस्थिति में डट कर सामना करने पड़ेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने इसको पूरा कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं इसको नोट्स में एक बार सेव कर लेता हूँ। नोट्स ओपन किया, यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं, ये पेस्ट कर दिया। अब हमने इसको सेव कर लिया। अब हम चलते हैं वापस गूगल पर, और गूगल पर सर्च करने के बाद हमारे पास एक तो फोटो तैयार होगी, एक ही हमारे पास जो पैराग्राफ जो हमें बुलवाना है, मतलब जो लाइंस हैं वो हमने कॉपी कर लिए। अब तीसरा क्या करना है, आपको एक वेबसाइट पर जाना है। तो वेबसाइट का नाम है 11 Labs, सर्च कर लेते हैं ELEVEN Labs। 11 Labs यहाँ पर सर्च किया तो ऊपर वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी 11 Labs, इस पर आपको क्लिक कर देना है। वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो ऊपर लैंग्वेज दिख रही है, इन लैंग्वेज का आप यूज कर सकते हैं, कि मतलब कौन सी लैंग्वेज में आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल हिंदी लिख लेता हूँ। हिंदी पर क्लिक किया तो हिंदी पर क्लिक करने के बाद एक लाइन एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता रहा है हमें, तो इस लाइन को आप प्ले करके भी देख सकते हैं कि कौन सी लाइन है और किस लैंग्वेज में, मतलब किस तरह से यहाँ पर किस आवाज़ में यहाँ पर वो जो आवाज़ है आपको किस तरह की आएगी। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप यहाँ से आवाज़ भी चेंज कर सकते हैं। किसी पर भी क्लिक करके कोई सी भी आवाज़ आप ले लेना, वो आवाज़ आपको यहाँ पर सुनाई दे जाएगी। तो यहाँ पर हमने आवाज़ देख ली। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको कट कर देना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और हमने जो वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अगर आपको ये लाइन अच्छी लग रही है, कोई सी भी लाइन अच्छी लग रही है, कोई भी लाइन आप देख लेना, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद पूरी लाइन हमारी यहाँ पर पेस्ट हो गई है। तो ये हमारी अब पूरी आवाज़ में बनकर तैयार हो गई है। अब क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये फाइल हमारी डाउनलोड हो रही है, इसको पॉज कर देते हैं। और डाउनलोड में जाकर आप देख सकते हैं ये आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। ये वाली फाइल है, इसको प्ले करके भी देख सकते हैं, आपको आवाज़ आ जाएगी यहाँ पर कौन सी फाइल आपने डाउनलोड की है। अब क्या करना है, बाइक चलना है।
एक तो हमारे पास फोटो हो गई है, और ये मतलब जो वॉइस हमने जो हमने मतलब टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट किया है वो भी हमारे पास डाउनलोड हो गई। दो फाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब क्या करना है आपको, गूगल पर चलना है वापस। गूगल में आपको सर्च कर लेना है स्टूडियो, स्टूडियो डॉट डी डैश आई डी, ये सर्च कर लेना है आपको। ये सर्च करने के बाद आपके पास फिर से ऊपर ऊपर वाली वेबसाइट आ जाएगी, स्टूडियो डी डॉट डैश डी आई डी वाली। यहाँ पर आपको इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे यहाँ पर, और वेबसाइट में एंटर होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको कट कर देते हैं लेटेस्ट अपडेट को। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो साइनअप कर लेना है। तो पहले मैं इसको डेस्कटॉप साइट पर कर लेता हूँ। डेस्कटॉप साइट पर क्लिक किया और हमारी वेबसाइट यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में ओपन हो गई है। अब क्या करना है आपको, गेस्ट पर नीचे नीचे क्लिक करना है, जहाँ पर कॉर्नर में गेस्ट है। गेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉग इन और साइनअप का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है और अपने गूगल से यहाँ पर एंटर हो जाना है, मतलब लॉग इन कर लेना है। आपकी गूगल आईडी यहाँ पर खोलने दी, जी पर क्लिक किया, गूगल अकाउंट से आपको यहाँ पर लॉग इन हो जाना है। आप मैं जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर सेलेक्ट किया और इससे अब मैं लॉग इन होने वाला हूँ। तो हमारी आईडी यहाँ पर लॉग इन हो गई है, फिर से डेस्कटॉप साइट पर जाना पड़ेगा। हमारी आईडी यहाँ पर लॉग इन हो गई है। अब आपको क्या करना है, अब अपनी जो फ़ोटो आपने लगाई थी यहाँ पर आपको इसको मतलब ये वीडियो में कन्वर्ट करना है, जो फ़ोटो हमारी थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्रिएट वीडियो का ऑप्शन दिखेगा आपको ऊपर ही पर कॉर्नर में, या फिर साइड में आपको क्रिएट वीडियो का ऑप्शन दिखेगा। तो इनमें से आपको किसी पर भी क्लिक कर देना है। क्रिएट वीडियो पर क्लिक कर देते हैं। क्रिएट वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक तरह से बहुत सारे फेस नज़र आ जाएंगे, बहुत सारी इमेज नज़र आ जाएगी। इनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई किस फ़ोटो को आप लेना चाहते हैं, मतलब कौन सी फ़ोटो आपको बोलती हुई नज़र आनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो हमने तो हमारी फ़ोटो खुद नहीं डाउनलोड की है। अब क्या करना है आपको, ऐड पर क्लिक करके उस फोटो को ले लेना है जो हमने गूगल से डाउनलोड की थी। ऊपर ही पर शो हो रही है ये वाली फ़ोटो, हमने ले ली। डन पर क्लिक करते हैं तो ये फ़ोटो कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो मेरी अपलोड हो गई जो हमने गूगल से डाउनलोड की थी। तो अब आपको यहाँ पर साइड में एक स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिखेगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। डेस्कटॉप साइट हमने ओपन की है तो स्क्रिप्ट का ऑप्शन है ब्लैक कलर में, यहाँ पर आपको साइड में टच करना है। यहाँ पर आपको ऑडियो का ऑप्शन आ जाएगा, तो अपलोड योर ओन वॉइस का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको एक वॉइस अपलोड कर देनी है, यानी कि हमने अपनी वॉइस को वहाँ से डाउनलोड किया हुआ है, जो हमने वॉइस यहाँ पर बनाई हुई थी खुद ने। तो अपनी इस तरह से वो हमारी वॉइस है, हमको अपलोड योर ओन वॉइस पर क्लिक करके उस वॉइस को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो जो वॉइस हमने डाउनलोड की थी उसको अपलोड कर देते हैं। डाउनलोड में चलते हैं, तो जो वॉइस मैंने डाउनलोड की थी वो वॉइस ये रही। अब इसको डाउनलोड अपलोड कर देते हैं। अपलोड पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पर वो वॉइस हमारे यहाँ पर अपलोड होने वाली है। अब देख सकते हैं अपलोड हो गई है। अपलोड होने के बाद इसको प्ले करके भी देख लेना। और अब क्या करना है आपको, जनरेट वीडियो पर क्लिक कर देना है। ऊपर ऊपर का ऑप्शन आ रहा है जो पिंक कलर में, जनरेट वीडियो का ऑप्शन, जनरेट वीडियो पर क्लिक किया। तो जनरेट वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है जनरेट दिस वीडियो। और आपके पास दो क्रेडिट है, आप मतलब दो बार यहाँ से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप दो बार वीडियो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। क्योंकि और भी क्रेडिट लेना चाहे तो आपको यहाँ पर परचेज करना पड़ेगा, और नहीं तो आप मल्टीपल जीमेल आईडी का यूज़ कर लेना। भाई इस जीमेल आईडी से आपने दो बार बना ली, फिर दूसरी जीमेल आईडी का यूज कर लेना, फिर से आप बना सकते हैं दो बार। तो जनरेट पर क्लिक करते हैं। जनरेट पर क्लिक करने के बाद हमारी वीडियो यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गई है। थोड़ा ही टाइम लगेगा वीडियो बनने में, तो देख सकते हैं प्रोसेसिंग यहाँ पर चल रही है। तो वीडियो हमारी बनकर तैयार हो गई है, वी आर सक्सेसफुल यहाँ पर शो हो गया है। अब क्या करना है आपको, इस वीडियो पर क्लिक कर देना है। वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, प्ले करके देखना चाहे तो, और नहीं तो इसको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। वीडियो आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपकी फ़ोन की गैलरी में। तो मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ, देख सकते हैं वीडियो यहाँ पर प्ले हो गई है। डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड पर क्लिक होने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पर, मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊंगा कौन सी वीडियो है। देख सकते हैं यहाँ पर प्ले भी हो रही है, यहाँ से ओपन करते हैं तो ये वीडियो हमारी यहाँ से प्ले होने स्टार्ट हो गई है, डाउनलोड हो गई। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा इसका मुँह मिल रहा है, यानी कि जो हमने फ़ोटो डाउनलोड की थी पूरी वीडियो बन चुकी है। ये जो सामने वाला आदमी देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये बोलकर दिखा रहा है। अब यहाँ पर एक वाटर मार्क आ गया है, डी आई डी जो शो रहा है, जो डी आई डी वेबसाइट हमने ओपन की थी उसका वाटर मार्क यहाँ पर आ गया है। आपको इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी। एक तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये बोल रहा है उसको हमें सामने लिखना भी है, तभी इंस्टाग्राम पर रील्स में अपलोड होगी, तभी मतलब अच्छी लगेगी देखने में। उसके लिए आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन का यूज़ करना है, कोई भी वीडियो एडिटर का एप्लीकेशन का यूज़ करना है। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक इंस्टॉल किया हुआ है एप्लीकेशन इनशॉट, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा इनशॉट का एप्लीकेशन, या फिर और भी कोई भी एप्लीकेशन जिसका आप यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम पर रील्स क्रिएट करने में, एडिट करने के लिए, उस एप्लीकेशन का आपको यूज़ कर लेना है। तो वीडियो पर क्लिक करते हैं, उस वीडियो को ले लेते हैं जो हमने अभी डाउनलोड की थी। ये वीडियो ले ली, वीडियो लेने के बाद टिक मार्क पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वीडियो हमारी आ गई है, यहाँ पर इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, वही वीडियो है, मोबाइल आ रहा है ये। तो अब आपको क्या करना है, एक फ़ोटो जो हमने पहले डाउनलोड की थी सबसे पहले गूगल पर से, उस फोटो को ले लेना है। जहाँ पर इसका वाटर मार्क रिमूव करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड में ऑप्शन दिखेगा पिप का, PIP, इस पर क्लिक किया। आपको एक फ़ोटो ले लेनी है जो हमने सबसे पहले डाउनलोड की थी गूगल पर से, वो फ़ोटो हमने यहाँ पर ले ली।
यहाँ पर इसको इसको क्रॉप कर लेना है। इस फोटो को पहले तो पूरे बैकग्राउंड में ले लेना है, मतलब पूरी इस फोटो के बराबर ले लेना है जो हमने वीडियो बनाई है उस फोटो के, इसको बराबर ले लेना है सबसे पहले, उसके बराबर किया। अब यहाँ पर इसको क्रॉप कर लेना है, क्रॉप पर क्लिक करते हैं, क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, क्रॉप पर क्लिक किया। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर फेस से नीचे तक ले लेना है, जहाँ से इसका मुंह हिल रहा है मतलब होंठ हिल रहे हैं उसको छोड़ देना है, और नीचे का हिस्सा हमको ले लेना है और यहाँ पर सेट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस हिसाब से इसको सेट कर देना है कि हमें लगे नहीं कि मतलब हमने इसको ऊपर लिया है, तो बिल्कुल अपने हिसाब से अच्छे तरीके से सेट कर देना। थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इसे बिल्कुल ऐसे सेट कर देंगे जैसे किसी को पता ना चले कि भाई ऊपर फ़ोटो के ऊपर फ़ोटो ली है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है। अब आपको फिर भी अगर थोड़ा सा देखने में अटपटा लगे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना आप, ये इसको पूरा वहाँ तक खींच लेना है बिल्कुल जहाँ तक आपकी वीडियो है, पूरा इसको सेट कर लेना वहाँ तक। मैं आपको दिखाता हूँ, डन पर क्लिक किया। अब इसको प्ले करके दिखाते हैं, प्ले पर क्लिक किया, देख सकते हैं यहाँ से इसका वाटर मार्क हट गया है, वहाँ से वाटर मार्क हट गया। इसको बिल्कुल हमने नीचे का हिस्सा बिल्कुल अलग कर दिया है, और बिल्कुल किसी को देखने में भी नहीं लग रहा है कि ऊपर का हिस्सा हमने बिल्कुल दूसरा है नीचे का दूसरा है। तो इस तरह से इसको सेट कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर हमें कोई टेक्स्ट पेस्ट कर देना है। अब चलते हैं वहाँ पर जो नोट्स में जहाँ पर हमने टेक्स्ट कॉपी किए थे, इस पर क्लिक किया। यहाँ पर हमें एक एक लाइन सेट कर लेनी है, मतलब जैसे हमने ये वाली लाइन यहाँ पर कॉपी की, कॉपी किया। और अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर जैसे ये लाइन बोल रहा है तो हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट किया, अब जैसे यहाँ पर ये लाइन बोल रहा है, जैसे हमने पेस्ट किया तो यहाँ पर जो लाइन बोलेगा वहीं पर इसको सेट कर देना है। यहाँ पर हमने ये लाइन यहाँ पर रख दी, जैसे जब भी ये बोले मतलब कुछ भी बोल रहा है अपने हिसाब से उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है उस हिसाब से। प्ले करके देखते हैं, तो जब ये बोलेगा यहाँ पर ये वाली लाइन हमने पेस्ट कर दी है। अब आगे जब और कुछ बोलेगा तो यहीं से कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेना है, यहाँ से कॉपी करना है। फिर आगे जब ये दूसरी लाइन बोलेगा तब इसको पेस्ट कर देना है, टेक्स्ट पर क्लिक करके फिर से लाइन को पेस्ट करते जाना है। इस तरह से हमारी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। पूरी वीडियो को बनाकर दिखाऊंगा तो आपको टाइम लगेगा। अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी लाइन है, कलर वगैरह जो भी अपने हिसाब से टेक्स्ट ऊपर कलर डालना चाहें उस हिसाब से यहाँ पर लाइन को डाल देना, ऊपर नीचे कर लेना टेक्स्ट को अपने हिसाब से जा करना चाहें। और उसके बाद आपको वीडियो को सेव कर लेना है। सेव पर क्लिक किया, सेव पर क्लिक करने के बाद फ्रेम रेट वगैरह 60 FPS जो भी रखना चाहें आप रख लेना MP4 में, और अपने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पर सेव हो जाएगी, और प्ले करके आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छी लगेगी, मतलब टेक्स्ट वगैरह जो बोल रहा है वो सामने आपको शो हो जाएंगे, वॉइस आपकी इसके जो है अच्छी ही है। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पर रील्स को डाल सकते हैं। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ जो हमने वीडियो डाउनलोड की है अभी, तो ये वीडियो हमने डाउनलोड की है, ये इस तरह से शो हो रही है। आप इंस्टाग्राम पर डालेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस तरह की वीडियो आप आसानी से बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत भी नहीं है, थोड़ी बहुत मेहनत है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, उसके बाद आपके जो मतलब अकाउंट ग्रो होगा ना वो देखने लायक होगा, आपका अकाउंट काफ़ी ज़्यादा ग्रो होगा, आपके रील्स पर भी व्यूज अच्छे खासे आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जो भी तरीका मैंने आपको बताया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई दे दूंगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।